नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। खबर पालघर जिले से जुड़ी हुई, दो अहम खबर हम लेकर आए हैं पालघर जिले की। पहली खबर है पालघर जिले अंतर्गत वाड़ा तहसील में हुए मर्डर केस से जुड़ी हुई, तो वहीं दूसरी खबर है पालघर जिले के ही वसई अंतर्गत हुए भीषण सड़क दुर्घटना की। तो बात करते हैं पालघर के वाड़ा की, जहां पर हाल ही में कुछ दिनों पूर्व एक महिला की जघन्यतम हत्या कर दी गई थी। ऐसी जानकारी सामने आई कि बुजुर्ग महिला 65 वर्षीय एक महिला वाड़ा के बस स्टेशन के पास सोई हुई थी रात के समय में, तभी एक युवक ने महिला को सर पर पत्थर से वार करते हुए महिला को लहूलुहान कर दिया और महिला की हत्या कर दी। बाद में महिला के शव को खींचता हुआ बस स्टेशन के पीछे ले जाकर डाल दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस के हाथ में अहम सीसीटीवी फुटेज लगे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी महिला को किस तरह से घसीटता हुआ ले जा रहा है। मामले की जांच जारी है, पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। दूसरी खबर वसई अंतर्गत हुए भीषण सड़क हादसे की, तो वो खबर ऐसी है कि कल वसई के वालियो अंतर्गत एक अनियंत्रित ट्रक ने, ऐसा बताया गया कि उस ट्रक के ब्रेक फेल हो चुके थे, उस ट्रक ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी पर सवार दो सगे भाइयों की मौत हो गई। और ट्रक वहीं नहीं रुकी, उसके बाद ट्रक ने एक टेम्पो को टक्कर मारा और जाके दीवार में घुस गई। एक बड़ा हादसा कल हुआ, उसमें दो जनों की जगह पर मौत हुई। हालांकि ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये दो बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से बता दें, पहली खबर जुड़ी हुई वाड़ा मर्डर केस से, तो दूसरी खबर है वसई अंतर्गत हुए भीषण हादसे से। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।